एके मिश्रा साहब, यह तो तय है कि 2019 भी एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा अगर वाकई में बीजेपी योगी को लेकर सीरियस हुई तो। नहीं, ये फैक्ट है। देखिए मैं आपको बताऊं, 4-6 महीने बचे हुए हैं, विकास का कौन सा काम हो सकता है भाई? प्रोजेक्ट को पूरे करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें बीजेपी एक बहुत अच्छा चीज कर सकती है कि अगर संविधान में ऐसी कोई गुंजाइश है कि इलेक्शन को 4-6 महीने टाला जा सकता है तो बीजेपी ये टाइम गेन करने के लिए करेगी। हो सकता है 6 महीने टाल दे, जैसे यूपी में निकाय चुनाव, अगर किसी संविधान विशेषज्ञ से पूछिएगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, चलिए अगर संभव नहीं है तो देखिए दूसरी चीज है, अब बीजेपी करेगी क्या? फौरी तौर पे ये राहत देगी पब्लिक को, हो सकता है बहुत सारी ऐसी स्कीमें दे। 4-6 महीने में ये क्या करेंगे? ना मंदिर बना पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, एक भी अपने हार्ड कोर्ट। अब क्या ये भारत को विश्वगुरु बना देंगे क्या 6 महीने में? तो सरकार चाहे कांग्रेस की बने स्टेट में, चाहे बीजेपी की बने सेंटर में, मजा जो है पब्लिक को आने वाला है। बहुत सारी राहत रियायतें, दोनों किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो बीजेपी अभी तक नहीं कर रही थी, या कांग्रेस आ करके इन्फ्लुएंस करने के यही तरीके हैं 4-6 महीने में। कोई हार्डकोर अब ये मंदिर तो बनवा नहीं पाएंगे 4 महीने में, उसमें बहुत सारे पेच हैं। तो ये सारी चीजें हैं,